बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। ये देखिए मैया के दिए आपको, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन दिए हैं, बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। ये देखिए मैया, इसीलिए मील का पत्थर साबित हो रहा है कि मैया लोग को अगर 1000 मिल जाए, अगर कोई दे देना, एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद है, 1000 रुपया गरीब के लिए बहुत है, बहुत है देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग बहुत खुश है। 1000 रुपये, 1000 में बहुत। क्या बोलती है उनको, हेमंत सोरेन, हेमंत चचा, हेमंत दादा, क्या मैया सम्मान योजना कैसा योजना है? 100 रुपया कोई नहीं देता है, पड़ोसी वाला 10 रुपया नहीं देता है। अच्छा। तो सरकार तो 1000 दिया है, भरोसा है मिलेगा, भरोसा है। बेटियों को पढ़ाने के लिए जो सरकार दे रही है, तो सरकार का ये योजना बता रहे हैं कि महत्वाकांक्षी है, बहुत बढ़िया योजना है, तो आप लोग को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सबको मिलता है, मिलता है। कहते हैं कि झारखंड प्रदेश में मैया सम्मान योजना मील का पत्थर साबित हो रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। हम उसी चीज को जानने और समझने के लिए आ गए हैं। गिरिडीह विधानसभा का ये पीर टाड़ खुखरा जगह है, खुखरा थाना क्षेत्र है, और यहाँ हम आ चुके हैं। ये तमाम मैया लोग हैं, इन्हीं से हम जानते हैं कि मैया सम्मान योजना किन किन को मिला है और कितना लाभदायक है इन लोगों के लिए। यही तस्वीर बताएगा कि मील का पत्थर है या क्या है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और वर्तमान जो सीएम है हेमंत सोरेन जी के लिए। हम इन मैया से ही पूछते हैं, कहाँ घर है आप लोग का? ये हीरापुर, हीरापुर जी। और आपका मैया? हीरापुर, हीरापुर। आप भी हीरापुर के? हीरापुर। अच्छा, आप लोग हीरापुर के? सब लोग हीरापुर के। सब हीरापुर के, हीरापुर के हैं। अच्छा, मैया सम्मान योजना किनको किनको मिला है? हमको मिला। इधर आइए, थोड़ा आइए। कितना मिला आपको? 1000। 1000 मिल गया। हाँ। के दिए आपको? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन दिए। हाँ। हैं, बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। ये देखिए मैया, इसीलिए मील का पत्थर साबित हो रहा है कि मैया लोग को अगर 1000 मिल जाए, अगर कोई दे देना, एक बहुत बड़ी बात होती है, खास करके अगर महिलाओं को, अगर के हाथों में अगर 1000 रुपया मिले तो एक बहुत बड़ी बात होती है। क्या करिएगा 1000 लेके, बताइए दीदी, 1000 से क्या क्या करिएगा? घर का खर्चा, घर का खर्च चलेगा ना? नहीं चलेगा। अब तो मांगने की जरूरत है क्या भैया से? हाँ है जरूरत, और लीजिए। हाँ, 1000 में कुछ होगा? 1000 में क्या होगा तब? अच्छा, तो क्या कहिएगा जो दिए हैं आपको 1000 रुपया, उनको क्या कहिएगा सीएम साहब को? धन्यवाद बोले। धन्यवाद क्या, कैसे धन्यवाद बोलिए? 1000 देने के लिए। और तो उनको मतलब वो सुनेंगे तो मैया लोग से तो जानेंगे ना कि मैया क्या सोचती हैं 1000 लेने के बाद। 1000 देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग बहुत खुश हैं। 1000 रुपए, 1000 में बहुत खुश। हाँ। क्या नाम हुआ? रुक्मणी देवी। और भैया का नाम क्या हुआ? नरेश पंडित। नरेश पंडित क्या करते हैं? बाहर में रहते हैं, बाहर कमाते हैं। अब वो बाहर से कमा के लाग देंगे और इधर से घर से आप चलाएंगे, बाल बच्चे को पढ़ाइएगा, है ना? हाँ। और किन को मिला है दीदी आपको? हाँ मिला है। कितना? 1000। 1000, थोड़ा सा और आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? रेणु देवी। और भैया का? नकुल पंडित। पंडित, नकुल पंडित। तो क्या कहेंगे, 1000 मिला है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद है, 1000 रुपया गरीब के लिए बहुत है, बहुत है। क्या क्या करिएगा? क्या करेंगे, कम से कम बच्चा के तो हो जाएगा 10 रुपया 10 रुपया स्कूल जाने के टाइम में। अच्छा, महिलाओं को अगर 1000 रुपया मिलता है तो ये कितना बड़ा बात है, अगर कोई दे कि नहीं महिलाओं को 1000? 100 रुपया कोई नहीं देता है, पड़ोसी वाला 10 रुपया नहीं देता है। अच्छा। तो सरकार तो 1000 दिया है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? क्या कहेंगे हेमंत जी को? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मिला? नहीं, मिला 2000 रुपया। अच्छा, 2000 क्या चीज में? जल सहिया। अच्छा, जल सहिया। अच्छा, आप लोग का भी तो मांग पूरा हो गया है। कहाँ पूरा, अभी तक नहीं पूरा हुआ है। तो 2000 मिल रहा है? 2000 इस बार मिला, पहले से कहाँ मिल रहा था। अच्छा, मैया सम्मान योजना कैसा योजना है? अच्छा है। अच्छा है जी, मैया लोग के लिए? मैया लोग के लिए अच्छा ही है।
मान लो 1000 रुपया अगर यदि दे रहा है सरकार तो कम नहीं दे रहा है, घर बैठे अगर यदि 1000 रुपया मिल रहा है तो बहुत मिल रहा है, बहुत मिल रहा है, बहुत मिल रहा है। दीदी आप थोड़ा सा इधर आइएगा, आइए बोलिए ना, क्या है, क्या नाम है? सविता देवी। सविता। और भैया? बबलू पंडित। आपको मिला मैया? नहीं मिला। नहीं मिला, क्या है, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है, आप सरकार जानेगा नहीं, हम नहीं जानते हैं। क्या दिक्कत है? तो क्या लगता है, फॉर्म भरे हैं तो मिलेगा? नहीं पता नहीं, उम्मीद है ना नहीं ऐसे। जैसे आपके बगल में मिल गया है और महिलाओं को, आपको नहीं मिला है तो क्या उम्मीद है कि मिलेगा? मिलेगा, भरोसा है कि? भरोसा है, मिलेगा, भरोसा है, है। क्या दीदी आपको मिला? मिला नहीं मिला। तो क्या लगता है आप मिलने की उम्मीद है, उम्मीद में है कि भरोसा नहीं है? भरोसा है, मिलने का उम्मीद में, भरोसा है। तो क्या ये मैया सम्मान योजना कैसा योजना है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मिला नहीं? नहीं मिला। भरोसा रखते हैं कि मिलेगा? हाँ भरोसा है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा मिल रहा तो हम लोग को भी मिलेगा, ऐसा नहीं है ना कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आप लोग के साथ चीट कर देंगे? नहीं चीट नहीं करेंगे, नहीं किया, नहीं। भरोसा है? हाँ। मैया लोग को भी भरोसा है, भरोसा हो रहा है कुछ इधर है। क्या बाबू कौन से क्लास में? 8 क्लास में। 8 में सावित्री बाई फुले का लाभ ली है? हाँ मतलब फॉर्म भरे हैं अभी। फॉर्म भरी है? हाँ मिलेगा। तो अच्छा तुम लोग स्कूल में कितने कितने लोग को मिला होगा? सावित्री बाई मिल गया होगा मतलब 20-25 लोग को। 20-25 लोग को मिल गया? मिला होगा मतलब। कहाँ मिला? लगे ककरो नहीं मिला, घर पर जाना। हाँ जाने दीजिए, हमारे बेटी के मिलवे नहीं कर ले। अच्छा तोर बेटी ना मिला? अच्छा मैया सम्मान योजना मिला? ना मिला, ना मिला, ना पेंशन नहीं मिला? ना पेंशन भी नहीं मिला। अबुआ आवास है? अबुआ आवास उड़ा एक बार मिला ले, एक बार मिला कॉलोनी मिला ले, पेंशन नहीं मिला ले। अच्छा क्या लगता है कि ये जो योजना है सावित्री बाई फूल जो किशोरी बच्चियों के लिए दी जा रही है वो कैसा योजना है? अच्छा है, अच्छा है। बेटियों को पढ़ाने के लिए जो सरकार दे रही है, तो सरकार का ये योजना बता रहे हैं कि महत्वाकांक्षी है, बहुत बढ़िया योजना है, तो आप लोग को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सबको मिलता है। मिलता है ना? अब ऐसा नहीं है ना कि जो बेटी है झारखंड की पैसा की वजह से पढ़ाई छोड़ देगी? नहीं तो ऐसा कोई नहीं है, सबको मिलता है, ड्रेस का भी पैसा आता है। ड्रेस का भी आता है? कौन दे रहे हैं पैसा? हेमंत सोरेन और कौन देंगे? हेमंत दादा दे रहे। क्या बोलते हैं उनको, हेमंत सोरेन, हेमंत चचा, हेमंत दादा, क्या? श्री हेमंत सोरेन। श्री हेमंत सोरेन बोलते दादा चचा कुछ नहीं? नहीं। आपको मिला भैया? मिला। पेंशन कितना मिला? 1000। 1000 मिल गया? मिल गया। तो बड़ा खुश नजर आ रहा है। अच्छा अभी क्या थोड़ा सा इधर इधर सामने आइए ना, क्या बोलेंगे आप, मतलब क्या बोलेंगे हेमंत जी को? बोलेंगे बच्चों के लिए तो मिला है, पढ़ाई लिखाई के लिए, उसमें ट्यूशन में पैसा भरने पड़ता है बच्चों के लिए, कभी 5 रुपए कभी 10 रुपए बोलते देते हैं, देते हैं ना, कुछ खर्चा खाने के लिए। कुछ कितने बच्चे हैं? 3 ठो है। 3 ठो और कितने बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं? 1 ठो। एक कितना ट्यूशन में खर्चा है? ये 200 रुपया महीना। 200 रुपया महीना और प्लस में किताब कॉपी है ना। अब 1000 रुपया दिया जा रहा है, तब 1000 रुपया कितना आपके लिए लाभ हो सकता है? बहुत अच्छा हो सकता है जब मिलेगा तो। मैंने मिला ना? मिला है। तो अब तो महीना महीना एक तो उम्मीद है ना कि कोई नहीं देगा, 1000 रुपया सरकार दे रहा है, हमारा बच्चा पढ़ाई से छूटेगा नहीं? नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, ये भरोसा है? हाँ भरोसा है। क्या मैया आप लोग को मिला है? नहीं मिला है। क्या दिक्कत है, थोड़ा आइए ना सामने, क्या दिक्कत है? दिक्कत हुई तो नहीं मिला है तो वही दिक्कत है मेरा। लगता है मिलेगा? उम्मीद तो बुझ जाता है, मिला है। भरोसा है? किनको नहीं मिला? आपको भी नहीं मिला? नहीं मिला है। नहीं हीरापुर में बहुत कम। तो क्या हो सकता है, कौन सा बैंक है आपका? बोल दी ग्रामीण बैंक का अभी लगभग लगभग बैंक ऑफ इंडिया है ना, तो उम्मीद है कि मिलेगा? हाँ भैया मिलेगा, उम्मीद तो है।
भरोसा है पूरा? हाँ पूरा भरोसा है। और अगर नहीं दिए हेमंत जी? दे रहा है, सब भी देगा, सबको मिल रहा है, तो सबको मिल रहा है, हमको भी आशा कर रहा है, बोल मिलेगा, कभी भी मिलेगा, मिलेगा बाबू। क्या कर रहे हैं? चार महीना से नहीं मिला, ठीक है सभी भरोसा कर लेते हैं। थोड़ा इधर आइएगा मैया, आप इधर आइए ना, थोड़ा सा इधर आइए सामने। क्या क्या नाम? आशा देवी। आशा देवी। हाँ। आपको मैया योजना का लाभ मिल रहा है? नहीं मिला है। हाँ? नहीं मिला है, नहीं मिला है। फॉर्म भरे थे? हाँ। तो क्या भैया का नाम क्या है? दादा का? झारखंडी पंडित। झारखंडी पंडित, नाम तो झारखंड से मिलता जुलता है। तो, है तो है ना। तो क्या लगता है, उम्मीद है कि मिलेगा आपको, पैसा आएगा? हमको नहीं लगता कि मिलेगा, कहे कि अब तो मतलब हाई प्रचार में सुन रहे हैं कि अब नहीं मिलने वाला है पैसा, अब नहीं मिलने वाला है। हाँ। तो अब क्या करिएगा अगर हेमंत जी नहीं दिए तो? कुछ नहीं, क्या करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, जैसा चलता है तो चलाएंगे, और क्या करेंगे। मतलब भरोसा है, फिर भी भरोसा लगता है कि कहीं से कोई उम्मीद लगता है कि हेमंत जी देंगे मेरे साथ, सब और मैया के साथ दिए हैं तो मेरे साथ ना इंसाफी नहीं करेंगे? मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो अब नहीं हो सकता, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, हो सकता है तो नहीं मिलेगा, नहीं मैंने हो सकता है मिल भी जाए। हाँ। तो क्या, अच्छा मैया सम्मान योजना आपको भले ही नहीं मिला हो, लेकिन ये योजना कैसा है? योजना कैसा है? ठीक है, ठीक है। हाँ? गरीबों के लिए या गरीब जो महिला है उनके लिए कितना लाभदायक है? बहुत अच्छा है, काहे कि जब मिलेगा तो मैयों लोग के मतलब काम आता है, पैसा अपना हाथ में रहे, कुछ भी कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि हेमंत सोरेन का जो ये योजना है सरकार का, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और मील का पत्थर साबित हो रहा है। क्या सभी मैया लोग इस बार समर्थन देंगे हेमंत जी को, लगता है? हाँ लगता है, कहीं नहीं देंगे। जैसे लोग कह रहे हैं कि सभी बहनों के लिए जो है हेमंत जी अपने एक तोहफा है भाइयों की तरफ से, और सभी जो प्रदेश की जो मैया है, जो बहन है, वो क्या हेमंत जी के तरफ रहेंगे इस बार? हाँ, सब रहेंगे, रहना चाहिए। हाँ। लगता है आपको? लगता है रहना चाहिए, रहना चाहिए। क्या चाहिए आपको, क्या लगता है? रहना चाहिए। आपको नहीं मिला फिर भी आप सपोर्ट करेंगे? क्या करेंगे, नहीं मिला तो इतना दिन से नहीं मिला तो चल रहा है बाल बच्चा घर द्वार, तो एक हजार में नहीं मिलेगा। हेमंत सोरेन कैसा आदमी, उनका काम कैसा रहता? हम लोग तो नहीं जानते। मुख्यमंत्री कैसे है? कैसा है? अच्छा है, सब लिखे अच्छा है। अच्छा मुख्यमंत्री, कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? ठीक है, सबके लिए ठीक सोचते हैं, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अच्छे मुख्यमंत्री हैं? हाँ अच्छे मुख्यमंत्री हैं। ये महिलाओं की अपनी अपनी राय थी, हमने जानने का प्रयास किया है कि मैया सम्मान योजना कितने कारगर है, कितने मील का पत्थर हम सुदूरवर्तीय क्षेत्र कह सकते हैं। ये पीरटाण खुखरा का क्षेत्र है, जो रास्ते के बगल में कुछ मैया लोग मीटिंग कर रही थी अपना ग्रुप का, हमें मिली है। तो अब ये खुखरा क्षेत्र आप जानते ही होंगे गिरिडीह जिला के लिए एक सुदूरवर्तीय क्षेत्र के तहत आता है, एक थोड़ा सा लोग कहते भी हैं कि सेंसिटिव एरिया है, हालांकि अब ऐसा कुछ रहा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की महिलाओं के बीच, यहाँ की मैयों के बीच ये मैया सम्मान योजना कितना कारगर है, इस चीज को हम जानने का, समझने का, आप तक बताने का हमने प्रयास किया है कि जो सरकार कहती है कि ये योजना मील का पत्थर साबित हो रहा है पूरे प्रदेश में, तो क्या यह मील का पत्थर साबित हो रहा है? क्या यह योजना हेमंत सोरेन के लिए या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बेहतरीन योजना है, या मैया को जो 1000 दिया जा रहा है ये एक बेहतरीन पहल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और भी मैया से हम बात करेंगे अगली कड़ी में कि वो मैया क्या कहती है। फिलहाल हम गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में हूँ, मिलूंगा अगली कड़ी में। जोहार।